आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी लाइव। 26 अप्रैल से होंगे एग्जाम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के लिए टर्म 2 की परीक्षा ऐलान कर दी है। टर्म 2 की परीक्षा ऑफलाइन मोड में 26 अप्रैल से होंगी। सीबीएसई की परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने ये जानकारी दी। थ्योरी एग्जाम 26 अप्रैल 2022 से शुरू होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने टर्म 2 परीक्षा के लिए 10वीं और 12वीं डेटशीट जारी कर दी है। वही सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा 26 अप्रैल से 24 मई तक आयोजित होंगी और 12वीं की परीक्षा 26 अप्रैल से 15 जून तक आयोजित की जाएंगी। इस बार 10वीं और 12वीं की परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएंगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होंगी, 10:30 से 12:30 तक भी होंगी। सीबीएसई टर्म 2 परीक्षा बचे हुए 50% सिलेबस के लिए आयोजित की जाएंगी। क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के सवाल होंगे। कभी भी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं टर्म 1 के छात्रों का रिजल्ट कभी भी ऑफिशियल वेबसाइट cbse.government.in पर जारी की जा सकता है। हालांकि सीबीएसई ने रिजल्ट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है।